हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जितना कि एक माँ के लिए होता है जब वो अपनी संतान को पहली बार गोद में उठाती है। जी हाँ, आज जन्म लिया है उस सपने ने जो न जाने कितने सालों से हमारे मन में पनप रहा था। आज खुल रहा है इस शहर का सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट और कैफे, स्काई लीफ कैफे। एंजॉय इट। हेलो निहारिका जी। हेलो। हेलो। बॉस बस आने ही वाले हैं। ओके, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका कैफे बहुत चले और बहुत नाम कमाए। एंजॉय मैम। थैंक यू। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस तरह के शोर शराबे से कितनी नफरत है। जान बूझ के लाई हो मुझे यहाँ। कितन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। देखो, अगर हम ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद चलें प्लीज। प्लीज। ठीक है। अरे मृणाल, बैठो ना। थैंक यू मैम। बताओ क्या खाओगे? नहीं मैम, थैंक यू, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। कैसी औरत हो तुम? अपने मंगेतर को इग्नोर करके स्टाफ वाले से पूछ रहे हो क्या खाओगे तुम? केतन प्लीज, तुम हर बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि घर जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। हेलो 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 मृणाल, यहाँ शायद ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं बाहर से बात करके आती हूँ। केतन जी आएंगे तो मैं क्या बोलूँ? संभाल लेना प्लीज। हाँ बस एक मिनट। हेलो 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 ठीक हो? देखो गोली मिलती है क्या? आपको एक फोन कॉल आया जिसे अटेंड करने आप कॉफी शॉप से बाहर आई। ठीक उसी वक्त आप पे गोलियां चलनी शुरू हो गई और गलती से आपके बिजनेस एडवाइजर मुन्नार मारे गए, है ना? जी सर। फोन किसका आया था आपको? मेरी फ्रेंड करीना का। और गोलियां गोलियां कहां से चल रही थी? पता नहीं सर, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। ओ, मतलब आपने गोली चलाने वाले को नहीं देखा? नहीं सर। सर हमें भी कोई नहीं दिखा। क्या आप जानते हैं कि आपको मारने की कोशिश कौन कर सकता है? किसी पे शक है आपको? यही तो हैरानी की बात है ऑफिसर, इस देश में हम ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं है। आप लोग विदेश से आए हैं क्या? जी सर, पिछले 10 सालों से मैं लंदन में ही थी और मेरे मंगेतर भी वहीं से है। फिर इंडिया अचानक आने की कोई वजह? जी, मेरे मॉम डैड का बचा कुछ बिजनेस और कुछ प्रॉपर्टी थी, बस उसी को बेचने आई थी। जी हाँ, मृणाल इसी सिलसिले में निहारिका की मदद कर रहा था। तो कहीं ये हमला आप पे प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुआ? लेकिन ये करना कौन चाहेगा? उसका पता चल जाएगा। फिलहाल अपनी दोस्त करीना, उनका फोन नंबर दीजिए जरा। देखिए आप सब यही रुकिए प्लीज। हमें जाने दीजिए मैडम प्लीज। देखिए आप सबको आपके जवाब मिलेंगे, आप यही रहिए। सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा। आपके माता पिता की मौत कैसे हुई?
सर एक रोड एक्सीडेंट में, जिसकी वजह मीता और साकेत थे। मीता और साकेत? वो दोनों निहारिका के डैडी की कंपनी में काम करते थे, और सुनने में आया कि कुछ ही महीनों बाद उन दोनों की भी मौत हो गई। उनकी भी मौत हो गई, कैसे? यही बात तो अपने आप में एक पहेली है ऑफिसर, शायद आप सीआईडी वाले सुलझा पाए। वो तो हम सुलझा ही लेंगे। सर गोलियां मिल गई सर। निखिल, ये गोली तो XP6 है या फिर KJ09? हाँ सर, और सर ये गोलियां राइफल में इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मतलब ये काम किसी शार्प शूटर का है। सर करीना का फोन तो बंद आ रहा है। What? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर सर मुनार जी को गोली राइफल से मारी गई है, ये देख। राइफल से गोली चली है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से मारा है। सीने पे गोली लगी है, इस तरफ से मतलब गोली इस बिल्डिंग से मारी गई है। देखते हैं कौन से फ्लोर से चली है गोली। ऊपर देखो मयूर, ऊपर देखो। ये देखिए सर, ये गोलियों के शेल और ये कुछ चॉकलेट रैपर्स मिले यहाँ से। चॉकलेट? जरूर उन स्नाइपर्स की ही होगी। सर, ये लोग चॉकलेट खाते हुए गोली चला रहे थे? चॉकलेट खाते हुए गोली नहीं चला रहे थे, जब निहारिका का इंतजार कर रहे थे उस वक्त खाई होगी ये चॉकलेट। और ये देखो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है निहारिका पे निशाना आसानी से लगाया जा सकता है। फिर तो सर जरूर उसकी उंगलियों के निशान यहाँ कहीं होंगे। मयूर, आसपास जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा लो। यस सर। और सर एक बात और, जितने भी स्नाइपर्स आए थे अगर वो दिन दहाड़े यहाँ आए तो जरूर किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। करेक्ट, ये तो सुनसान बिल्डिंग है। सामने वाली बिल्डिंग के जो वॉचमैन है ना, उससे पूछताछ करते हैं। अरे सुनो, वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ लोगों को देखा क्या, कुछ गन वगैरह लेके जाते हुए? हाँ साहब, दो लोग उस बिल्डिंग में गए थे, पर उनके हाथों में बंदूकें थी। उनके हाथ में? सर बंदूकें नहीं, वो फिल्मों में जो हीरो बजाते हैं ना वो संगीत निकलता है, वो गिटार। एक मिनट, ये देखो कुछ ऐसा। हाँ साहब, ऐसे था कुछ। गिटार वाले बैग में गन्स? इन संगीतकारों का संगीत सुनना ही पड़ेगा। आप लोग हमारा नाम और नंबर क्यों ले रहे हैं, हमने क्या किया है? देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस इनॉग्रेशन की कोई भी खबर, फोटो या वीडियो आप मीडिया में रिलीज नहीं करेंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। सर कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर अगर फिर से उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो? घबराइए नहीं, सीआईडी के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा।
अभिजीत का फोन है। अभिजीत, बस दो घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। सर, निहारिका नाम की एक लड़की के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, शायद उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि उसके ऊपर दोबारा हमला होगा। एक काम करो अभिजीत, गाविन और इशिता इन दोनों को निहारिका के साथ रहने के लिए कहो। हाँ, बिल्कुल परछाई की तरह। राइट सर। अब है? अभी दो घंटे पहले ही तो मैं इसे पुणे में मिला था, ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो अबे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? प्रद्युमन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या क्या हुआ? हाँ, इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? मैं फोन पे नहीं बता सकता, आप क्या मुझसे मिलने आ सकते हो? अबे मैं थोड़ी काम में हूँ यार। प्लीज एक बार मिलने आ जाओ। अच्छा ठीक है, कहाँ पर हो तुम? एसीपी साहब आए क्या? नहीं सर। फोन भी नहीं लग रहा। उस करीना का क्या पता चला? कुछ नहीं सर, उसका फोन अभी तक बंद आ रहा है और उसके परिवार का कहना है कि सालों पहले उन लोगों ने उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अभी कहाँ रहती? सर एमजी नगर में, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है, वंश नजर रखे हुए इस पे। इस करीना का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है सबके साथ, अगर वो दोस्त है तो इतने बड़े हादसे के बाद उसका हालचाल पूछती, फोन बंद करके बैठी हुई है। सर सर, उन स्नाइपर्स की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे। अच्छा, उस स्नाइपर्स गिटार के बॉक्स में गन लेके छत पे गए थे। शहर में जितनी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकानें हैं, वहां जाके पता करो कि पिछले 48 घंटों में कितने लोगों ने गिटार खरीदे हैं। और ये हमारा स्टाफ। तो ये है आपका स्टाफ? ये सब नए हैं? जी, मैं भी तो नई हूं इंडिया में। और इन सब का हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं। निहारिका, तुम अंदर जाके आराम करो। जी, जैसा आपका है। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। ये नीना है, घर का खाना बनाती है, और ये रमेश और लीला घर की साफ सफाई के लिए, और वो सेंगर हमारा ड्राइवर। इन सबके पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हमें, क्योंकि आपका स्टाफ नया है, इनके फोन जमा होने चाहिए। इशिता, हम निहारिका जी की जिंदगी पे और कोई खतरा नहीं आने देंगे। जब तक इन पे हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, हमारे ऑर्डर्स हैं, हम यहीं रुकेंगे। एक और बात केतन जी, आपके सिक्योरिटी कैबिन में जो क्लोज सर्किट कैमरे लगे हैं, हमें उसकी फुटेज देखनी है। एक मिनट, आपके प्रताप से ऐसा लग रहा है कि निहारिका के दुश्मन इस घर में ही बैठे हुए हैं। उस पे हमला बाहर हुआ था ऑफिसर। हम जानते हैं केतन जी, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि घर के बाहर से हमला करने वाला घर के अंदर कभी भी आ सकता है। केतन प्लीज गुस्सा मत करो, वो लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना अंदर जाओ, डिनर के टाइम पे तुम्हें बुला लूंगा। और तुम लोग क्या देख रहे हो? कोई फिल्म चल रही है यहां पे? अपना काम करो जाके, और आप लोग भी करिए जो आपको करना है। Hi, I'm Jordan. I'm Fido. और समर यारी, मैं बिल्कुल समर गया। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? वो ऐसा लग रहा था कि उसने गिटार नहीं क्रिकेट का बैट पकड़ के रखा है। और सबसे ज्यादा मजाकिया बात तो ये है जी, उसने दो दो गिटार खरीदे और मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया जी। अच्छा भाई साहब, बात ये है कि वो गिटार खरीदने के बाद हमसे मिलने वाला था, मगर हम तक पहुंचा ही नहीं। वो
तो आपको कुछ मालूम है वो कहाँ गया होगा? हाँ जी, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि आज रात को किसी नाइट क्लब की ओपनिंग है और उसे वहां जाना है। भगवान करे कि वो वहां जाके गिटार ना बजाए। भाई साहब, मैं वो वाली गिटार खरीदूंगा। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं जी। वैसे आपको बजाने आती है ना जी? अरे हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये तो पियानो भी बजाते है दांतों का। क्या बात है जी, फिर तो ठीक है जी। सर, जैसे होलिया इस आदमी ने बताया है, वो तो ठीक उस स्नाइपर जैसा लगता है। उस खिलाड़ी के बारे में सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन सर? पता करो ये ढेचू गर्मी की छुट्टियों से वापस आया है या नहीं। अंदर आ जाओ, आ जाओ। प्रद्युमन, अबे ये हुआ क्या है तुम्हें? दो घंटे पहले तो मिले थे पुणे में, तब तो ठीक ठाक थे, क्या हुआ है बताओ। प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सर, ये रहे उस रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन की फुटेज। प्ले करो जरा। एक मिनट पॉज करो जरा। ये दो लोग निहारिका के जाने के बाद सिक्योरिटी वाले से क्या बात कर रहे हैं? लोगों पे जूम करो जरा। किसी ब्यूटी पार्लर का लोगो लग रहा है। चलो आगे चलो। एक मिनट पॉज करो जरा, इसके बैग पे जूम करो। बेकरी का बैग है। सर, एक ब्यूटी पार्लर की लड़की, डिलीवरी बॉय, इतने हाई प्रोफाइल फंक्शन में इन दोनों का क्या काम हो सकता है? वही तो, और ये दोनों हमें क्राइम सीन पे मिले भी नहीं थे। ये सिक्योरिटी वाले से क्या बातें कर रहे हैं लोग? सर, ये रही मीता और साकेत के बारे में पूरी जानकारी, निहारिका के पिताजी के ऑफिस से मिली है। God. क्या हुआ सर? ये ब्यूटी पार्लर वाली लड़की और ये डिलीवरी बॉय, ये कोई और नहीं, मीता और साकेत है। मीता और साकेत? सर, लेकिन ये दोनों तो मर चुके हैं, फिर ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? मरे नहीं थे, किसी ने गलत खबर फैला दी इनके मरने की। इनके जिंदा होने की असली खबर अब ये सिक्योरिटी वाला बताएगा जिससे बातें कर रहे हैं लोग। यस सर। सर, मुझे ये घर निहारिका जी के लिए सुरक्षित नहीं लगता, कोई भी कभी भी आ जा सकता है जी, और उसका पति केतन भी मुझे ठीक नहीं लगता जी। सर जी, मैं ध्यान रखूंगा। रात के 9 बजे ये पूछा क्यों लगा रही है? केतन ने कहा था इसका काम तो खाना बनाने का है। यस सर। निहारिका, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? हाँ, शायद मेरे पैर में कुछ अटक गया था वहां।
आपका पैर इस नायलॉन के धागे में फंसा था। धागा? ये धागा किसने लगाया यहाँ? पर दोपहर तक तो सब कुछ सीखता यहाँ, मैं खुद आया था यहाँ से। क्या ये सब? हाँ? क्या है? सर मुझे नहीं पता ये क्या है। आपने खुद ही मुझे अपना सूट देने के लिए ड्राई क्लीनर के लिए भेजा था। और जब मैं जमीन साफ कर रही थी तभी ये धागा मुझे वहाँ नहीं दिखा। क्या नहीं देखा? आँख बंद करके सफाई कर रही थी तुम? गुस्सा मत करो, इंसान है, गलती हो जाती है। What गलती? इनकी एक लापरवाही से तुम्हारी जान जा सकती थी। जान लेना और बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा आपने। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि निहारिका जी पे हमला करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि इसी घर का कोई आदमी है। ए, किधर आ? जी सर, जी सर। इन दोनों को जानते हो तुम? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा कहने से काम नहीं चलेगा। साकेत और मीता, इनके साथ बात कर रहे थे तुम? क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों की? सर मुझे उन दोनों पर शक हुआ क्योंकि वो बाकी मेहमानों से अलग अलग दिख रहे थे और मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? यही कि ये निहारिका है क्या, कौन से देश से आई है और इसके साथ ये आदमी कौन है, पूरी कुंडली निकालना चाहते थे। अच्छा, आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने कहा कि मैडम अभी बाहर आएंगी, खुद ही पूछ लेना। सर लगता है ये दोनों निहारिका के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आए थे, और हो सकता है कि इन्हीं दोनों ने निहारिका की सुपारी उस शार्प शूटर को दी हो। हो सकता है। ये लोग कब गए थे यहाँ से? सर जब मैंने कहा कि मैडम आएंगी खुद ही पूछ लेना तो घबरा से गए और तुरंत निकल गए, और उसके बाद निहारिका बाहर आई और उस पे गोलियां बरसने लगी। जी सर, फिर तो वो ऐसे दुम दबाकर भागे कि अपना बेकरी का पार्सल भी लेने वापस नहीं आए। बेकरी का पार्सल? जी सर, उसमें केक था। वो पार्सल जहाँ कहीं भी उसे लेके आओ। जी सर। एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और दूसरा ये बेकरी का पार्सल लेके घूम रहा था। पता करते हैं कौन सी बेकरी है और कौन सा ब्यूटी पार्लर। अपूर्वी सर, इस पार्लर के बाहर ठीक वैसा ही लोगो है जैसे मीता के यूनिफॉर्म पे था। ओके ओके, तुम जिस पार्लर के बाहर खड़ी हो उसके करीब 200 मीटर दूर एक बेकरी है, विनस बेकरी। हम लोग उसके बाहर खड़े, तुम वहाँ पार्लर पे पूछताछ करो। सर हाय मैम, आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पार्लर में? जी, मैंने आपकी मैनिक्योर की बहुत तारीफ सुनी। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्कार। ये दोस्त का हैप्पी बर्थडे है तो एक केक चाहिए, 5 pound का। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी केक देना। जी सर, केक पे नाम क्या लिखूं? नाम हैप्पी बर्थडे रतनचंद। स्वीट एंड सिंपल। सोना जी। मैम इनका मैनिक्योर है, ठीक है? जी मैम। आइए मैम। हैप्पी बर्थडे रतन चंद, सिंपल एंड स्वीट। नहीं 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 नहीं, सिंपल एंड स्वीट नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे रतन चंद। तुम्हारा नाम सोना है? जी क्यों नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू मैम, ये नाम ना मेरे दादाजी ने रखा था। दादाजी ने? जी। अच्छा, वो उस लड़के को मत भेजना जो पिछले मंगलवार को मेरे केक डिलीवर करने वाला था मेरे दोस्त के घर। केक पहुंचा नहीं, हमारी पार्टी खराब होगी। ओके, वो ए मिकी बात सुनना। सर ये तो साकेत है।
ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मिकी। सॉरी सर, उस दिन मैं आपके दोस्त के घर पे केक की डिलीवरी नहीं दे पाया। असल में क्या है ना, इस शहर में नया नया आया हूँ तो उस दिन एड्रेस नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं, इसलिए हम तुम्हें एक और मौका देते हैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए। बिल्कुल सर। ये जो केक है ना जी, ये तुम डिलीवर करोगे। ओके बिल्कुल सर। अपना नंबर देना। नंबर सर? हाँ, अगर कहीं तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए है ना। बहुत अच्छा मैंने क्यों कर दिया। तुम पहले कहाँ काम करती थी? मैम, इससे पहले ना मैं भोपाल में थी। ये मेरी पहली जॉब है, अभी एक ही महीना हुआ है यहाँ पर आए। अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे सोना का नंबर मिल सकता है ताकि अगली बार आने से पहले मैं उससे अपॉइंटमेंट ले सकूं? श्योर, आई गिव यू, टेक दिस। थैंक यू। थैंक यू। अरे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में क्या कर रहे हैं ढेचू? ये क्या होलिया बना रखा है तुमने ढेचू? ढेचू नहीं अभिजीत बाबू, ढेचू जी बोलिए। ढेचू जी क्या? दो महीने में सीनियर सिटीजन बन गए हो क्या? बन नहीं गया, बनने वाला हूँ। वो दिन गए अभिजीत बाबू जब ढेचू एक खबड़ी होता था। सुबह सुबह भांग पी के आया? नहीं अभिजीत बाबू, ये भांग का नशा नहीं है, एक्टिंग का नशा है, एक्टिंग का। अब मैं एक्टर जो बनने वाला हूँ। ठीक है ढेचू जी, इससे पहले कि आप बहुत बड़े एक्टर बन जाए, बहुत ऊपर पहुंच जाए, जरा दो कदम नीचे आइएगा और पुरानी दोस्ती की खातिर एक आखिरी बार हमारा काम कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। आप लोग यही पता लगाने आए हैं ना कि दो दिन पहले इस शहर में कौन सी नाइट क्लब की ओपनिंग हुई है ना, है ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? ढेचू ने लाइन बदल दिया तो क्या हुआ। ढेचू कल भी टॉप का खबरी था और आज भी टॉप का खबरी है। मुझे तो ये भी पता है कि उस नाइट क्लब का नाम क्या है, मरून नाइट क्लब। मरून नाइट क्लब जो वो जेएस मार्ग पे है भाई? बिल्कुल, वहाँ पर गाना बजाना कम होता है और गुंडों का तांता लगा रहता है। हर एक गैर कानूनी काम वहीं से शुरू होता है। मरून नाइट क्लब। समीता सोना बनकर पार्लर में काम करें, कह रही है कि एक महीने पहले ही भोपाल से यहाँ पर आई। अरे साकेत निकी बना हुआ है, कह रहा है कि शहर में नया है। सर, अगर ये दोनों निहारिका को मारना चाहते हैं तो फिर नौकरी की आड़ क्यों ले रहे हैं? एक काम करो पंकज, तुम यही रहो और इन पर नजर रखो, ठीक है? सब पता चल जाएगा। चलो। अरे सारे लोग तो वही शार्प शूटर लग रहे हैं जिन्होंने निहारिका पे गोलियां चलाई थी। हो सकता है। मैं भी ना बार बार कहाँ आके फंस जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सुपरस्टार बनने से पहले ही सीआईडी वालों के चक्कर में कहीं शहीद ना हो जाऊं। इधर आ, हमारा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा तुम्हारा? ए तुम लोग क्या वीआईपी हो जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? अबे तो कैसा ढूंढ रहा था? अब ढूंढ रहा था? हाँ, मेरी भैंस खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। देखा तुम लोगों ने? ए, 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 क्या कर रहे हो? देखी तुम लोगों ने? ए, इसमें हंसने वाली क्या बात है? भैंस मेरी फेवरेट सवारी है,
उसी पर बैठकर मैं क्लब में आता हूँ। अच्छा छोटे, एक बात बता, तूने अपनी भैंस कहाँ पार्क की थी? मेरा मतलब कहाँ खड़ी की थी? यही। मैं बहुत होशियार समझता है अपने आप को, तलाशी ले इसकी। हथियार तो नहीं इसके पास? ए, मुझे हथियार की क्या जरूरत? देखा है इसे, जब ये पाव किलो का हाथ किसी इंसान पे पड़ता है ना, तो वो इंसान उठता नहीं, मैं उठ जाता हूँ यार। बहुत हो गया तेरे जाने वादी। सुन, अब फिल्मी दुनिया को छोड़ और सीधे इस दुनिया में आ। बता क्यों पीछा कर रहा था? दरअसल दरअसल मेरे बॉस ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है, किसी को टपकाना है और उसकी सुपारी तुम दोनों को देना चाहता है। सुन, एक काम कर, अपने बॉस को हमारे पास भेज। सुबह 11 बजे ढोल की चौराहे के सिग्नल पर मिले, समझा? सर, हमें नहीं जाने क्यों दे रहे हैं? पकड़ क्यों नहीं लेते इन्हें? पकड़ते हैं निखिल, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पे। जल्दी बाहर जाओ, मेन स्विच ऑन करो, गो फास्ट। आपको कुछ हुआ था नहीं, ठीक है ना? हाँ, अब तो मैं अपने खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे लगता है अब तो वो मुझे मार के चैन की सांस लेगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, जब तक मैं आपके साथ हूं कुछ नहीं होगा आपको। अब अगर किसी ने मुझसे कहा कि उसे कुछ नहीं पता, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बताओ क्या पता है तुम लोगों को? क्या हो रहा है यहां? हाँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? नींद खराब करती मेरी। क्या कहा आपने, नींद खराब हो गई? आपकी मंगेतर पे अभी जानलेवा हमला हुआ है और आपको अपनी नींद की पड़ी है क्या? निहारिका, तुम ठीक हो ना? आज अगर मैं जिंदा हो ना, तो सिर्फ इनकी वजह से, नहीं तो मेरी लाश मिलती यहाँ पर। तुम आओ मेरे साथ, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक मिनट, जरा फेस इधर करना। ये
चोट तुम्हारे चेहरे पे कहां से लगी? आप मुझ पे शक कर रहे? How dare you? केतन प्लीज, उनका ये मतलब नहीं था। तुम जाओ अंदर, इससे मैं निपटता हूं। बस एक सीआईडी ऑफिसर की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझना। अब बताओ ये चोट तुम्हारे चेहरे पे कहां से लगी? अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो ये सवाल मैं तुमसे अब दोबारा नहीं करूंगा। बाथरूम में एक कील लगी है, वो लग गई थी। नाउ हैप्पी? सर ये दोनों तो आशिता, अंगूर के हाथ अंगूर। अभी तक आया नहीं, इतना देर कहां लगा दिया? बुलाया तो यही था, बैग भी भारी है। सर वो देखिए आ गए दोनों। क्या छोटे? ओह आ गए तुम लोग। मुझे तो लगा डर गए और अपना इरादा बदल दिया। हम डर गए वो भी तुझसे? मालिक कहाँ है तेरे? मेरे मालिक के पास तुम लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, सुपारी लेकर मैं आया हूँ, चाहिए तो लो वरना अपना रास्ता नापो। अबे छोटे बड़े तेवर हैं तेरे, चल आज हमारे पीछे। चलो चल 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 चलो। लगता है ये लोग भेजू को अपने अड्डे पे लेके जाने वाला है। आराम से पेट बंद कर देना। अब तो आंखों से पट्टी खोल दो यार, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अरे खोलते खोलते हैं, बस 2 सेकंड और। आंखों में दर्द हो रहा है। खोलते हैं खोलते हैं। एक काम कर, इसकी पट्टी खोल दे। अच्छा छोटे एक बात बता, तेरा बॉस किसे मरवाना चाहता है? ये लो तुम्हारे सवाल का जवाब, इस लिफाफे में बंद है और तुम्हारे काम का इनाम इसमें पूरे 1 करोड़ है। क्या हुआ? अरे यार देखो 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 किसे मरवाना चाहता है इसका बॉस। ये तो वही लड़की है निहारिका, जो विदेश से आई है। हाँ। पता नहीं हर कोई इस मासूम बेचारी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है कि हर कोई इसी की ही सुपारी दे रहा है। चलो कोई नहीं, इस बार हमारा निशाना नहीं चूकेगा। निशाना तो तब लगाओगे ना तुम, जब हम तुम्हारी उंगलियों को ट्रिगर दबाने लायक छोड़ेंगे। सीआईडी, तुमने धोखा किया, वो भी हमारे साथ। हाँ, धोखेबाजों के साथ धोखा और ईमानदारों के साथ ईमानदारी, यही है ढेंचू का वसूल। ईमानदारी खत्म, आदमी खत्म। अब बताओ निहारिका को मारने की सुपारी किसने दी थी तुम लोगों को? और अगर हम ना बताएं तो? तुम लोग वहां मरून बार में थे ना? ठीक बेचाना, मगर आज हम गाना बजाने नहीं बल्कि तुम लोगों को मौत की लोरी सुनाने आए हैं। चाहता निहारिका को? सब मिता साकेत
जल्दी जल्दी करो मीता, वो लोग कभी भी यहाँ पे पहुँचते ही होंगे। अरे मुझे तो खुद इतना डर लग रहा है, कहीं आज हम फंस ना जाए। जल्दी चलो, जल्दी बंद करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.